हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। चंडीगढ़ JBT भर्ती का आखिरकार एग्ज़ाम हो ही गया। 1 साल हो गया इस भर्ती को चलते चलते। फॉर्म भरते समय दो दो बार फॉर्म भरवा लिए, फिर भर्ती को रद्द कर दिया, दोबारा भरवा ली, इस तरीके से चीज़ें चली। फाइनली कल चंडीगढ़ JBT भर्ती का एग्ज़ाम हो गया। तो इसके अंदर दोस्तों 400 पोस्ट थी। तो कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितने लोगों ने पेपर दिया है, कितने लोग एब्सेंट रहे हैं और कितना कंपटीशन रहा है एक पोस्ट के पीछे और आंसर की कब आएगी, तो इन बातों के ऊपर बात करेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड है जानने में, यदि आपने चंडीगढ़ JBT भर्ती एग्ज़ाम दिया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, शहर के 67 परीक्षा केंद्रों पर 25,000 अभ्यर्थियों ने दी JBT भर्ती की परीक्षा और लगभग इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अप्लाई कर रखा था। 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। चंडीगढ़ के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था। इसके अंदर 25,000 लोग अपीयर हुए हैं। टोटल दोस्तों 36,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। टोटल क्या है, 36,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। 36,000 में से 25,000 अभ्यर्थी है वो प्रेजेंट हुए थे। 11,000 जो अभ्यर्थी है वो अब्सेंट रहे हैं। ठीक है, कल ये पेपर आपका हुआ है। यदि हम इनकी जो पोस्ट है वो 400 है, टोटल अपीयर कैंडिडेट 25,000 है, तो लगभग 62-63 कैंडिडेट है ना एक पोस्ट के पीछे यहाँ पे पेपर दे के आए हैं। ठीक है जी, तो ये आपका कंपटीशन रहने वाला है। अब बात आती है आंसर की। तो 30 अप्रैल को चंडीगढ़ JBT भर्ती की जो आंसर की है वो आ जाएगी 30 अप्रैल को, और 2 मई तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो यदि आपको किसी क्वेश्चन पर कोई समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ है तो। ठीक है, तो ये अपडेट थी दोस्तों। अब ये बताइए आपके कल कितने पर्सन सही हुए हैं, आपको क्या लगता है आप फाइट में हो या नहीं हो, और क्या चीज़ वहाँ पे आपको सही लगी, क्या चीज़ आपको वहाँ पे गलत लगी। और चंडीगढ़ JBT भर्ती का मैंने बैच भी निकाला था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत सारे साथियों के मैसेज आए थे ताऊ जी कि अच्छा कंटेंट था और पेपर भी अच्छा था। तो आप यदि KTDT ऐप पे कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हमने आधार फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है जो कि आपके बेस को मजबूत करेगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपका मन करे तो डेमो आप देख लीजिएगा KTDT ऐप पर। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।